गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप ऑल ऑफ यर वेल स्टूडेंट्स इज योर मैथ्स क्लास एंड वी विल डू चैप्टर फाइव यूनिट फाइव हैंडलिंग डाटा हैंडलिंग इसमें क्या होता है बेटा डाटा हैंडलिंग में हम क्या करते हैं वी ऑब्जर्व एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन जिसमें हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एंड विल ऑल्सो एबल टू ऑर्गेनाइज दैम और उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसमें टेबुलर फॉर्म में ये देखो एक टेबुलर फॉर्म दिया हुआ ना इसमें हमने डाटा इकट्ठा करना है और उनको ऑर्गेनाइज करना है इसमें ठीक है आस्क ऑल द चिल्ड्रन टू स्टैंड इन अ ला लाइन इसमें देखो सब बच्चों को खड़ा कर दिया लाइन में एंड लेट द टॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट और उनको आगे ले आए छोटे को और सबसे छोटे को और सबसे बड़े को ठीक है एंड फिर उसको ग्रुप बना दिया बड़े बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया छोटे बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया ये इस टाइप से हम इसमें क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं ये देखो इट इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन ये एक इनफॉर्मल तरीका है अलग तरीका है कलेक्शन का ग्रुपिंग का एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजे स्किल्स और स्किल्स इकट्ठी करने का ठीक है ये आपको क्लियर हो गया इन दिस वे दे विल देखो इसमें लिखा हुआ है टॉल चिल्ड्रन तो टॉल चिल्ड्रन कितने हैं हमने गिन लिए फिर शॉर्ट चिल्ड्रन फिर टॉल गर्ल्स कितनी है टॉल बॉयज कितनी डाटा हमने हिसाब से इकट्ठे करना है ठीक है यहाँ पे बच्चे कम दिखाए हैं लेकिन उस हिसाब से हमने यहाँ पे जो इकट्ठे किए हैं डाटा ऐसे इकट्ठा करना होता है इन दिस वे दे विल बी एबल टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड विल ऑल्सो बी एबल टू ऑर्गेनाइज इन टेबुलर फॉर्म ठीक है टेबलर फॉर्म में इकट्ठा करते हैं सी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये देखो आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना यस हाउ मेनी फिश आर देयर ये आपको एक एक्वेरियम दिया हुआ है इसमें आपको टर्टल फिशेज ठीक है ऑक्टोपस टोटस ये चीजें आपको नजर आ रही हैं आ रही है ना नजर आपको ठीक है आगे हाउ मेनी फिशेज आर देयर आपको इसमें क्या करना है जितनी फिश है आपने काउंट करके यहाँ पे लिखना है फिर स्मॉल टर्टल्स कितने हैं वो आपने यहां पे लिखने हैं फिर उसके बाद स्मॉल फिशेस कितनी है वो यहां लिखनी है हाउ मेनी बिग फिशेज आर देयर बड़ी फिशेज कितनी है इस यहां पे अरेंज करनी है एंड हाउ मेनी बिग टोट टोटाइज बिग टोटाइज कितने हैं यहां पे लिखने हैं एंड ऑक्टोपस कितने हैं वो यहां पर लिखने हैं बस ये हमारा एक तरह से डाटा इकट्ठा करना होता है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं और इन चीजों को काउंट करके लिखते हैं क्लियर ये क्वेश्चन आप अभी करोगे ठीक है अब देखो जैसे पहले क्वेश्चन है हाउ मेनी फिश आर दियर यहाँ पे टोटल कितनी फिशेज नजर आ रही है बेटा आपको ये देखो एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टोटल इलेवन फिशीज हमें नजर आ रही है ठीक है इलेवन फिशीज आप क्या लिखोगे इलेवन हाँ मैंने स्मॉल टर्टल स्मॉल टर्टल आपको नजर आ रहे हैं कहाँ नजर आ रहे हैं स्मॉल टर्टल यस ये देखो एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन लिखोगे आप स्मॉल फिशेस कितनी नजर आ रही हैं आप इसमें से स्मॉल फिशेस बतानी है आपने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव आ गई स्मॉल फिशेस बिग फिशेस कितनी नजर आ रही हैं बिग फिशेस कितनी हुई यस वन टू थ्री फोर फाइव वन सेवन होगी ना यस सेवन होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन आ गई और स्मॉल फिशेज कितनी आ गई फाइव तो यहाँ पे ट्वेल्व फिशेज आएंगी टोटल ठीक है हाउ मेनी बिग टोटल बिग टोटर्स कितने हैं तो आपको नजर आ रहे हैं वन टू थ्री तो हमने यहाँ पे लिख देना है थ्री एंड ऑक्टोपिज कितने ऑक्टोपसिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट आएगा आपका क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट्स आपको चीजें क्लियर है अब ये जो आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद करोगे इसमें आपको फ्रूट्स बताने हैं कितने दिए हुए हैं सी द पिक्चर एंड फिल द गिवन टेबल ड्रॉ एंड कलर एज मैनी फ्रूट्स हाउ मैनी फ्रूट्स का पैसे पहले जैसे आपने फ्रूट्स कोई भी नाम लिख दो फिर वो कितने हैं उसकी पिक्चर बना दो ठीक है बस सिंपल ये बताना है आपको यहाँ पे फिर हम ये जूम क्लास में डिस्कस करेंगे फिलहाल आपने पहला क्वेश्चन किया है सेकेंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे और थर्ड क्वेश्चन भी ओके स्टूडेंट्स थैंक यू